Assalamu alaikum, Nazreen. This is Bindia, film, television and theater actress and singer from Pakistan. Aaj hum jis mauzu pe baat karna chahenge wo hai palmistry with Akbar Sarhadi. Akbar Sarhadi sahab bahut hi pyare palmist hain, bahut hi sahi batate hain. Haath dekhte hain to bas aap logon ka dil khush ho jayega. इस कदर सही बातें बताते हैं. हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था. तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इनसे राबता कीजिए. पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं. बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे राबता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे राबता कर सकता है. YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. और जिस तरह आप हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं बहुत खुशी हो रही है. दूसरे नंबर पे जिस तरह आप लकीर का नाम लेकर या उभार का नाम लेकर हमसे सवाल करते हैं तो यकीन करें कि हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती. वो सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक पामिस्ट अब मैं नहीं रहा, बेशुमार पामिस्ट हमने तैयार कर दी हैं. ये है कि कुछ लोग देर से समझ में आ रही है उनको, लेकिन जो हमारी वीडियो मुसलसल देख रहे हैं और बार बार देख रहे हैं यकीन करें कि वो फुल पामिस्ट नहीं लेकिन नीम पामिस्ट तो हो चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है कि शोहरत आपको अपनी मेहनत से मिलेगी या बीवी के मुकद्दर से मिलेगी. शोहरत आपको अपनी मेहनत से मिलेगी या बीवी के मुकद्दर से मिलेगी. तो प्यारे दोस्तों, आज हम वो लकीर आपको बनाकर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुझे शोहरत मिलेगी या नहीं, मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं. अच्छा, बीवी कहती है कि मुझे शोहरत कब मिलेगी, शोहर कहता है कि मुझे शोहरत कब मिलेगी. तो आज मैं वो लकीर बना के बता रहा हूँ कि अगर मर्द के हाथ में हो तो उसको औरत की वजह से शोहरत मिलती है, औरत के हाथ में हो तो उसको मर्द की वजह से शोहरत मिलती है. तो अगर किसी के हाथ में ज़िंदगी की लकीर से आगाज़ करके कोई लकीर अगर शम्स के उभार की तरफ जाती है, शम्स की लकीर की तरफ जाती है, तो समझें अगर बीवी के हाथ पर है तो शोहर को शोहरत मिलेगी, अगर शोहर के हाथ में है तो बीवी को शोहरत मिलेगी. तो वो लकीर मैं बना के बता रहा हूँ, उस लकीर को गौर से देखेगा, अपने हाथ में भी तलाश कीजिएगा, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ये चीज़ तलाश कीजिएगा और फिर उनकी लाइफ को सर्च भी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है. मिसाल के तौर पर हम ये बनाते हैं ज़िंदगी की लकीर, ठीक है. ये हमने बना दी ज़िंदगी की लकीर और इसके साथ ये हमने बना दी दिमाग की लकीर, उसके साथ ये आ गई है दिल की लकीर, ठीक है. और फिर यहाँ से जो आगाज़ करती है लकीर ज़िंदगी की लकीर के साथ से, कोई लकीर अगर आगाज़ करती है और सीधी ये समझें कि शम्स, ये शम्स का उभार है ना, ये मैं निशानी बना देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा वाजे हो जाए. ये शम्स का उभार है और यहाँ पे जो लकीर होती है वो शोहरत की लकीर होती है. यानी किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में आपको शोहरत मिलेगी, वो किस तरह से मिलेगी. तो यही लकीर जो ना यहाँ से जाकर अगर यहाँ मिल जाती है, ठीक है, यहाँ जा कर अगर मिल जाती है, अगर मर्द के हाथ में है तो इसको शोहरत औरत की वजह से मिलेगी, अगर औरत के हाथ में है तो उसको शोहरत मर्द की वजह से मिलेगी. इस लकीर को गौर से देख लीजिएगा, गौर से समझ लीजिएगा. इसके साथ साथ बाज़ लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि आप जो ना ज़िंदगी की लकीर या दिमाग की या दिल की बार बार बना के बताते हैं. तो प्यारे दोस्तों, ऐसा है कि आप तो हमारी वीडियो एक अरसा दराज से देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं. इसमें हमारे साथ बहुत से नए लोग शामिल हो रहे हैं और नए लोगों को नहीं पता, अगर हम डायरेक्ट ही उनको ये लकीर बना के बता देंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ज़िंदगी की लकीर के पास कौन सी लकीर है या दिमाग की लकीर के पास कौन सी लकीर है, ठीक है ना. तो ये लकीर, और यहाँ पर अगर इस तरह का एक मैं आपको और चीज़ बना के बताता हूँ, अगर इस तरह का ये देखें इंग्लिश का एक्स और नुमा अगर बना हुआ है या क्रास बना हुआ है, जिसको उर्दू में हम क्रास कहते हैं, क्रास बना हुआ है तो इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टार. यानी यहाँ पे जो चीज़ आ रही है उसको हम कहते हैं स्टार. स्टार का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शोहरत. और अगर ये लकीर ना हो और ख़ाली ये निशान अगर यहाँ पर हो और किस्मत की लकीर अच्छी हो तो ऐसे लोगों को अचानक शोहरत मिल जाती है. जैसे वो आजकल एक वो आप टीवी पे देख रहे होंगे, वो पठान
छोटा सा लड़का है, वो एक ही आवाज़ के पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे वो सुन रहे होंगे, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता है। इसी तरह एक चाय वाला जो कि इस्लामाबाद में चाय बनाता था, उसको अचानक शोहरत मिल गई। ये वही लोग होते हैं जिनको अचानक शोहरत मिलती है, उनके हाथ में ये अलामत होती है। तो ये अलामत अपने हाथ में भी तलाश करें। अगर आपके हाथ में है तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी अचानक किसी भी काम से आपको इतनी ज़्यादा शोहरत मिल जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरी सूरत यह है कि ये अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर है तो ये समझें कि बीवी की वजह से आपको जनी शोहरत मिलेगी, और बीवी के हाथ में है तो शोहर की वजह से शोहरत मिलेगी। तो शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। ये आप लकीर को अच्छी तरह समझ गए होंगे, जाँच लिया होगा, नहीं तो ज़रूर जाँचें। जो हमसे सबसे पहला जो सवाल किया है जरीना मूसा ने किया है, सवाल है इनका कि 6 साल पहले तलाक हुई थी, अब मैं जिसको पसंद करती हूँ क्या उससे मेरी शादी हो जाएगी? जरीना मूसा साहबा, आपकी शादी तो शुरू में भी यानी पसंद की शादी थी, ठीक है ना? शुरू में जो शादी थी वो पसंद की शादी थी, यानी कि आपकी किस्मत में पसंद की शादी लिखी हुई थी। लेकिन ये शादी जो आपकी हुई किस तरह से हो गई, कैसे हो गई, क्यों, ये चलनी नहीं थी, क्योंकि आपकी शादी पसंद क्यों नहीं थी? और अल्लाह के फजल से आपकी शादी हाथ की लकीरों के हिसाब से पसंद की होगी और कामयाब शादी होगी। मेरी बात को आप पूरी तरह समझ चुकी होंगी और समझ रही होंगी। उसके बाद अगला सवाल किया है अफरीन ने, अफरीन ने सवाल किया है हैदराबाद से कि मेरी एक तलाक हो गई थी, अब हम रुजू करना चाह रहे हैं, हाथ में देखकर बताएं मेरे लिए सही है या नहीं। देखें अफरीन साहबा, के तलाक के बाद आप दोबारा रुजू करना चाहती हैं या रुजू या आपके शोहर रुजू करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, और ये फौरी करें, इसमें इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपके हाथ की लकीरें अल्लाह के फजल व करम से मौजूदा वक़्त में बड़ी ही अच्छी पोजीशन में हैं, और इस वक्त को ज़ाया मत करें, ये 2019 आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। उसके बाद सवाल किया है हाफिज़ कमर साहब ने पाक पतन से, हाफिज़ कमर साहब ने पाक पतन से सवाल किया है कि शादी कब तक होगी, नसीब में दौलत है? देखें आपके हाथ में किस्मत की लकीर जो है वो तो अच्छी है, किस्मत की लकीर अच्छी होने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी कोशिश करें तो अल्लाह की बेहिसाब रहमत आपके ऊपर हो जाएगी। और सवाल किया है कि शादी कब तक होगी? देखें आपकी शादी हाथ की लकीरों के हिसाब से तो 4 या 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हो रही तो उसमें कोई और वजह हो सकती है, उस वजह को ज़रूर तलाश करें, क्योंकि आपके हाथ में शादी की लकीर क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल किया है आयजा ने कराची से, आयजा ने सवाल किया कराची से कि उम्रा करना चाहती हूँ उम्रा करना चाहती हूँ, कब तक कर पाऊँगी, अपना घर कब होगा? देखें आयजा साहबा, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है? तो एक सवाल के बजाय आपने 2 सवाल कर दिए। इस तरह हमारे एक और दोस्त थे अकरम साहब थे, उन्होंने पूरा एक सफ़ा भर के भेज दिया कि ये जी बता दें क्या है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है और सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीन करें कि अगर हम सवालात करने बैठ जाएं तो ये समझें कि वीडियो की वीडियो बन जाएंगी और समझ में कुछ नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है। तो आपके एक सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि आप उम्रा करेंगी, उम्रा और हज की अलामत आपके हाथ में मौजूद है। दूसरा सवाल जो आपने किया इसके लिए आप नेक्स्ट दोबारा सवाल करें। अच्छा, उसके बाद सवाल किया है असामा सलीम ने गुजरात से, शादी कब होगी, शादी 2020 में होगी और कामयाब शादी होगी, ठीक है भाई? उसके बाद सवाल किया है मोहम्मद यूसुफ ने आज़ाद कश्मीर से, मेरी किस्मत कैसी है? अल्लाह के फजल से आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन सख्त मेहनत सख्त जदोजहद के बाद आपको उसका समर मिलेगा, यानी कि उसका फल मिलेगा। तो कोशिश करें कि आज से ही मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि आपके नाम के साथ मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी नज़र आती है और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा और बहुत उम्दा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।